नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर। इस सीरीज की पहली वीडियो में हमने मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में संभावनाओं पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या संभावनाएं हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्रिंट मीडिया में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की करियर की संभावनाएं हैं, किस प्रकार की स्किल्स उनको चाहिए प्रिंट मीडिया में कार्य करने के लिए, और किस प्रकार की नौकरी है, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं प्रिंट मीडिया में जॉब करने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ तक प्रिंट मीडिया की बात है तो हिंदुस्तान में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 1,00,000 से ज़्यादा पब्लिकेशंस रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो समाचार पत्रों की हम बात करें, मैगजीन की बात करें, पीरियोडिकल्स की हम बात करें। तो इतना व्यापक है यहाँ प्रिंट मीडिया, और अगर प्रिंट मीडिया इतना व्यापक है तो उसमें जाहिर तौर पर रोज़गार की जो संभावनाएं हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपार संभावनाएं हैं। और एक ख़ास बात, जहाँ एक और बाकी देश हैं वहाँ पे सर्कुलेशन समाचार पत्रों का कहीं ना कहीं थोड़ा घट रहा है, हिंदुस्तान में न केवल समाचार पत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सभी भाषाओं में, जितनी भाषा हिंदुस्तान में बोली जाती है लगभग सभी भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। तो न केवल समाचार पत्र पत्रिकाओं की संख्या बढ़ रही है बल्कि उनका सर्कुलेशन यानी प्रसार संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब अगर समाचार पत्र में किस प्रकार की जॉब आपको करनी पड़ती है, तो मुख्यतः समाचार पत्र में ब्यूरो ऑफिस होता है और न्यूज़ डेस्क होता है। ब्यूरो ऑफिस में रिपोर्टिंग टीम काम करती है जिसमें जूनियर रिपोर्टर हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, ये सारे लोग मिलकर के काम करते हैं। और ब्यूरो ऑफिस में मुख्यतः जो काम होता है वो होता है ख़बरों के संकलन का, यानी न्यूज़ कलेक्शन का, न्यूज़ गैदरिंग का। साथ ही समाचार संकलन के बाद समाचार लेखन का काम भी ब्यूरो ऑफिस में होता है, यानी समाचारों की प्लानिंग, समाचारों की कवरेज, समाचारों का लेखन, ये सारा काम ब्यूरो ऑफिस में होता है। तो अगर आप में रिपोर्टिंग की अच्छी सेंस है, अगर आप न्यूज़ कवरेज करने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो काबिलियत चाहिए, उसमें आप अगर माहिर हैं, तो ब्यूरो ऑफिस में आप काम करने के लिए बिल्कुल काबिल हैं और आपके लिए वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है किसी एक समाचार पत्र के साथ आप लगातार काम नहीं कर सकते, फुल टाइम आप काम नहीं कर सकते, तो आप एज अ स्ट्रिंगर, एज अ फ्रीलांसर भी उसके साथ जुड़ सकते हैं, और पार्ट टाइम जितनी आपकी खबरें प्रकाशित होंगी उसी के हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास है क्योंकि आप दूसरा काम साथ साथ करते हुए समाचार पत्र के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, उसके लिए खबरें लिख सकते हैं। ब्यूरो ऑफिस में ही फोटो जर्नलिस्ट भी काम करते हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ साथ। तो अगर आपको फोटोग्राफी की अच्छी समझ है, अच्छे फोटोग्राफ आप लेते हैं, तो बतौर फोटो जर्नलिस्ट एक समाचार पत्र में आप काम कर सकते हैं। साथ ही समाचार पत्र में आप देखते हैं कार्टून अक्सर प्रकाशित होते हैं डेली जो समाचार पत्रों में, अलग अलग घटनाओं की, जो करंट की जो घटनाएं होती हैं उस पर व्यंग्यात्मक तरीके से एक प्रतिक्रिया देनी होती है, तो कार्टूनिस्ट जो हैं समाचार पत्र में काम करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि अलग अलग आप देखते हैं जिस घटना के विजुअल जो हैं समाचार पत्रों के पास उपलब्ध नहीं होते, तो उसका ग्राफिक कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है, इसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर समाचार पत्र में काम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी घटना को एक ग्राफिक के जरिए यानी विजुअली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उस घटना का विवरण सुनने के बाद अगर आप में काबिलियत है, तो आप प्रिंट मीडिया में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम कर सकते हैं। साथ ही जैसे हमने कहा एज अ फ्रीलांसर आप फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, एक स्ट्रिंगर के तौर पे भी काम कर सकते हैं समाचार पत्र में। न केवल एक फ़ोटो जर्नलिस्ट भी एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकता है बल्कि एक समाचार लेखन के लिए एक रिपोर्टर के तौर पर भी आप एक फ्रीलांसर या स्ट्रिंगर की तरह आप काम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद जो समाचार पत्र में जो दूसरा प्रमुख काम है वो होता है संपादन का, समाचार संपादन। इसके लिए न्यूज़ डेस्क पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहती हैं। न्यूज़ डेस्क पे जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें सब एडिटर हैं, सीनियर सब एडिटर हैं, चीफ सब एडिटर हैं, डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ एडिटर, रेजिडेंट एडिटर, ये सारे लोग डेस्क पर काम करते हैं। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे समाचार पत्र में डेस्क पर काम करना चाहते हैं, तो बतौर ट्रेनी सब एडिटर या सब एडिटर के रूप में आपको काम करने का मौका मिलता है। जिस प्रकार रिपोर्टिंग में आपको समाचारों का संकलन लेखन करना होता है, समाचारों की कवरेज करनी होती है, इस प्रकार डेस्क पर थोड़ी सी भूमिका अलग होती है एक उप संपादक के रूप में। उप संपादक जो है वो खबरों का संपादन करता है, लेकिन एक अच्छा संपादन करने के लिए ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा समाचार लेखक भी आपको होना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करें
प्राथमिकता आप दें, पहले आप न्यूज़ रिपोर्टिंग में थोड़ा सा अनुभव लें ताकि आप समाचारों का लेखन कर लें। लेखन अगर आप अच्छा कर लेंगे तो संपादन भी अच्छा कर पाएंगे। जहाँ तक न्यूज़ डेस्क की बात है तो हम बतौर उप संपादक आप काम करते हैं, खबरों का संपादन करना, अच्छा उनको हेडलाइंस देना और एक तरह से खबरों की जो प्लेसमेंट है उसके लिए आपकी जवाबदेही होती है, साथ ही जो समाचारों का जो प्रस्तुतिकरण है यानी जो न्यूज़ रिपोर्टिंग टीम की जो मेहनत होती है समाचारों के संकलन और लेखन में, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना और लोगों के बीच में उस न्यूज़ रिपोर्ट को, जितनी न्यूज़ रिपोर्ट कवर की हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स ने या एजेंसी से जो खबरें ली गई हैं, उनको एक बढ़िया प्रस्तुतिकरण के साथ पठनीय बनाना, लोगों के लिए प्रेजेंटेबल वे में सारी खबरें प्रस्तुत करना, ये जिम्मेदारी रहती है न्यूज़ डेस्क की टीम पे जहाँ पे आप काम करते हैं, एज सब एडिटर या सीनियर सब एडिटर, जब आपकी प्रमोशन होती है चीफ सब या न्यूज़ एडिटर तक आप पहुँच जाते हैं। समाचार पत्र के बाद अगर मैगज़ीन यानी पत्रिका में काम करने के लिए संभावनाओं की जहाँ तक हम बात करें तो बहुत सी पत्रिकाएं हैं, जैसा कि हमने कहा पीरियोडिकल्स हैं जो प्रकाशित होते हैं, सभी भाषाओं में पत्रिकाएं निकलती हैं, इनका संबंध भी समाचारों से होता है, लेकिन पत्रिका में जो है वो समाचार लेखन के साथ साथ समाचार के विश्लेषण पर भी ध्यान दिया जाता है। जिस प्रकार समाचार पत्रों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी स्टाफ रखा जाता है, रिपोर्टिंग टीम रखी जाती है, लेकिन मैगज़ीन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने ज़्यादा संवाददाता या रिपोर्टर नहीं होते, बल्कि इसमें स्टेट कैपिटल पे संवाददाता रखे जाते हैं। इसी प्रकार स्टेट कैपिटल या नेशनल कैपिटल में इनका डेस्क होता है जहाँ पे जो सब एडिटर या सीनियर सब एडिटर बतौर काम करते हैं, वो मैगज़ीन में भी सेम स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन मैगज़ीन में जो है वो थोड़ा सा काम करने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो इन कंपैरिजन टू समाचार पत्र थोड़ी कम होती है और थोड़ा सा अलग नेचर का जो कंटेंट है मैगज़ीन में होता है। तो अगर आप एनालिटिकल अप्रोच के आदमी हैं, एनालिटिकल अप्रोच की स्किल आप में है, आप अगर घटनाओं का विश्लेषण करने में माहिर हैं या उसमें आपकी रुचि है, तो मैगज़ीन में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं, क्योंकि जहाँ एक और समाचार पत्रों में हार्ड न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक इसी प्रकार मैगज़ीन में जो है इसकी तुलना में सॉफ्ट स्टोरीज पर फोकस रहता है और हार्ड न्यूज़ का जो एनालिसिस का जो पार्ट है यानी हार्ड न्यूज़ की जो इनडेप्थ एनालिसिस है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है मैगज़ीन का, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो समाचार पत्र उसको तुरंत कवर करते हैं, उनकी वेबसाइट पर वो तुरंत घटना अपडेट हो जाती है और अगले दिन समाचार पत्र में उस घटना के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। तो अगर मैगज़ीन एक वीक बाद लोगों के हाथों में आती है तो ऐसा क्या मैगज़ीन में अलग दिया जाए कि लोग उसको पढ़ें, इसलिए अलग अलग प्रस्पेक्टिव से उस घटना का विश्लेषण किया जाता है मैगज़ीन में ताकि उसकी रेडेबिलिटी बनी रहे और घटना के जो दूसरे पहलू हैं उनसे पाठक अवगत हों और उनको कुछ नया पढ़ने को मिले। मैगज़ीन में भी जैसा कि हमने समाचार पत्र में बताया, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट या सब एडिटर हैं या कार्टूनिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो सारी जो भूमिकाएं हैं, वो सारे जो एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, वो सेम मैगज़ीन में भी हैं जो न्यूज़पेपर में है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूज़ एजेंसी की, जैसा कि आप जानते हैं PTI, UNI, Reuters, AFP, ये सारी समाचार एजेंसियां हैं, समाचार समितियां हैं जो कि न्यूज़ कलेक्शन का, न्यूज़ राइटिंग का काम करती हैं और समाचार पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़ चैनल्स, रेडियो, FM इन सबको कहीं ना कहीं ये समाचार सामग्री उपलब्ध करवाती हैं। न्यूज़ एजेंसी में भी ठीक उसी तरह आप काम कर सकते हैं जिस प्रकार आप समाचार पत्र या पत्रिका के लिए काम करते हैं, वहाँ भी रिपोर्टर चाहिए होते हैं, डेस्क पर काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं। बस न्यूज़ एजेंसी का जो फ़र्क है काम करने का, जो नेचर है जॉब का वहाँ पे, कि न्यूज़ एजेंसी में और ज़्यादा तेज़ी से आपको काम करना होता है, फास्ट फॉरवर्ड बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है आपको न्यूज़ एजेंसी में भी, लेकिन जो समाचारों की समझ है, जो समाचारों का लेखन की आपकी जो कला है, संपादन की कला है, वो कहीं ना कहीं आपको वैसे ही चाहिए, बस आपका जो काम है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी जो है वो समाचार पत्र पत्रिकाओं, समाचार चैनल को खबरें उपलब्ध करवाती हैं और जो न्यूज़ एजेंसी जितना जल्दी खबरें उपलब्ध करवाती है, अच्छी खबरें उपलब्ध करवाती है, जल्दी अपडेट करती है, वो न्यूज़ एजेंसी कहीं ना कहीं उतनी तरक्की करती है, आगे बढ़ती है और मीडिया हाउसेज के साथ उसके टाइप ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ टाइप कर लेते हैं एक ख़ास समय अवधि के लिए, साल दो साल के लिए, और वो उनको समाचार पत्र फ़ोटो या वीडियो जो उनको भेजते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं उसको पे करते हैं और इसके बदले में उनको समाचार मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग देशों में जो बड़ी बड़ी घटनाएँ होती हैं, कभी ओलंपिक चल रहा होता है, कभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है या कोई और बड़ी घटना हुई है, तो उसकी खबरें जो हैं वो न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से ही समाचार पत्र पत्रिकाओं या चैनलों को मिलती हैं और न्यूज़ एजेंसी जो है एक तरह से वर्ल्ड वाइड कवरेज देती है घटनाओं की और दुनिया भर की घटनाओं की कवरेज एजेंसी, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है,
तो इस प्रकार अगर आप न्यूज एजेंसी में काम करना चाह रहे हैं तो न केवल भारत की हम बात करें बल्कि विदेशों में भी आपके लिए बहुत चांस हैं। लेकिन इसके लिए आपको न केवल अपनी रिपोर्टिंग सेंस अच्छी करनी होगी बल्कि घटनाओं का न केवल विश्लेषण करना, उनको लिखना, बल्कि उसमें स्पीड और एक्यूरेसी, अगर दोनों हुनर आप में हैं तो न्यूज एजेंसी के अपॉर्चुनिटी जो हैं जॉब की आपके लिए बहुत खास हैं। देन फ्यूचर एजेंसी में जिस प्रकार न्यूज एजेंसी हार्ड न्यूज़ से ज़्यादा संबंध रखती है, इसी प्रकार फ्यूचर एजेंसी जो होती हैं वहाँ पे आपको फ्यूचर लिखने होते हैं। और जो फ्यूचर एजेंसी हैं वो समाचार पत्रों को फीचर देती हैं, आर्टिकल देती हैं अलग अलग विषयों पर। आप देखते हैं कि समाचार पत्रों में साप्ताहिक परिशिष्ट आते हैं, इसी प्रकार मैगजीन में बहुत से फीचर आते हैं, तो उनके लिए फीचर एजेंसी से फीचर समाचार पत्र कहीं ना कहीं लेते हैं। और जो फीचर एजेंसी होती हैं वो अपने यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉइज़ भी रखती हैं जो कि सॉफ्ट स्टोरी, आर्टिकल, फीचर, इंटरव्यूज़ वगैरह कलेक्ट करते हैं और समाचार पत्र पत्रिकाओं को भेजते हैं। साथ ही एज अ फ्रीलांसर भी आप फीचर एजेंसी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट स्टोरीज़ पे अच्छा लिख लेते हैं, अच्छी आपकी पकड़ है, अच्छी आपकी कमांड है, तो फीचर एजेंसी में भी आपके लिए रोज़गार की अपार संभावनाएँ हैं, इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके जॉब की। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिंट मीडिया की हमने आज बात की कि प्रिंट मीडिया में किस प्रकार के रोज़गार की संभावनाएं हैं। तो समाचार पत्र, पत्रिका, न्यूज एजेंसी, फ्यूचर एजेंसी, यहाँ पे आपको काम करने का अवसर मिलता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, काम उसी को मिलता है या जॉब उसी के लिए है जो अपने आप को उस फील्ड की ज़रूरत के हिसाब से तैयार करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर। इसी तरह की कुछ और खास वीडियोस के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।